यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रेम में चलिए प्रेम से चलिए इस तरह प्रेम में चलने वाले आप व्यभिचार के लिए स्थान मत दीजिए अशुद्धता के लिए स्थान मत दीजिए केवल धन कमाने की आशा के साथ गलत कामों को मत कीजिए निर्लजता की बातें ठट्टे की बातें आपके मुंह से ना निकलने दें इसके बाद क्या लिखा देखिए क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती प्रिय इनमें से कुछ भी हमें शोभा नहीं देती प्रिय भाई और बहन आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता निर्लजता की बातें करना आत्मिक लोगों को शोभा नहीं देता दो अर्थों वाले बातें या गाने हमें शोभा नहीं देते फिल्मी गानों को आप में से कोई सुन रहे हैं क्या उन फिल्मी गानों पर यदि आप ध्यान देंगे तो उनमें दो अर्थ होते हैं सीधे अश्लील शब्दों का उपयोग ना करके इनडायरेक्ट उन्हीं अर्थों को देने वाले शब्दों को बहुत बुद्धिमानी से इन गानों में उपयोग करते हैं जवानों को प्रेरित करने वाले जवानी को उभारने वाले हुक्साने वाले दो अर्थों वाले गाने बहुत से आ रहे हैं इन गानों को सुनने के कारण आपके विचार इन गानों को सुनने के कारण आपके सोच बिगड़ते हैं अश्लील दृश्यों को देखने के द्वारा आपकी आंखें बिगड़ती हैं शरीर बिगड़ता है इसलिए बाइबल बताती है ये बातें और ये काम तुम्हें शोभा नहीं देते प्रियो आपका सेल फोन फिल्मी गानों से अश्लील फिल्मों से और अश्लील फोटो से और कामुक दृश्यों से भरे हैं तो उन्हें बिल्कुल डिलीट कर दीजिए आपके सेल फोन हो सकते हैं कंप्यूटर हो सकता है कई बार स्लो हो जाते हैं होते हैं ना धीमे हो जाते हैं हैंग हो जाते हैं स्पीड से काम नहीं करते हैं तब आप क्या करते हैं आपका सेल फोन हो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो स्लो होने से उस समय आप क्या करते हैं सारा कचरा डिलीट कर देते हैं आज हम में से बहुत से लोग स्लो हो गए हैं आत्मिक जीवन में स्लो हो गए हैं परमेश्वर के भय भक्ति के विषय में स्लो हो गए हैं आलसी हो गए हैं धीमे हो गए हैं जैसे प्रार्थना करना वैसे नहीं कर रहे हैं जितना वचन पढ़ना उतना नहीं पढ़ रहे हैं जैसे प्रभु के लिए गवाह होकर जीना वैसे नहीं जी रहे हैं आत्मिक जीवन में हमें से बहुत से लोग स्लो हो गए हैं कारण जानते हैं कचरा और गंदगी आपके दिमाग में भर गया है आपके विचारों में फैल गया है आपके हृदय में भर गया है आपके शरीर में भर गया है पाप भर गया है भार बढ़ गया है इसलिए आप स्लो हो गए हैं आपको क्या करना जानते हैं आपके अंदर की सारी गंदगी को क्लीन करना है आत्मिक विषय में आपको फुर्तीले रहना है तो प्रार्थना के विषय में फुर्तीले होना है तो वचन पढ़ने में तेज और श्रद्धा के साथ रहना है तो आप में जो ये बेकार की जो गंदगी है जो कचरा है उसे डिलीट करना है आपके मन में आपके दिमाग में आपकी बुद्धि में संसार से संबंधित जो भी रहेंगे वो आपको आत्मिक जीवन में स्लो कर देंगे इसलिए आज उन्हें डिलीट कर देना है क्योंकि वे आपके जीवन में रहना शोभा नहीं देते आत्मिक जीवन में ऐसे अश्लील और डबल मीनिंग के गाने या डबल मीनिंग के म्यूजिक या गाने या बेकार के चैटिंग आपको शोभा नहीं देते डिलीट कर देना है उस अकाउंट्स को डिलीट करना है उन व्यक्तियों को डिलीट कर दीजिए क्योंकि वे आपको शोभा नहीं देते प्रियो ध्यान से सुनिए पांचवा वचन क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी यानी पति होने पर भी पत्नी होने पर भी किसी पराये स्त्री या पुरुष के मोह में पड़ने वाला कोई भी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं राज्य में मिरास नहीं प्रियो क्या में कोई अपवित्र सोच के साथ विचारों के साथ अपवित्र शरीर के साथ यदि जी रहे हैं तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से कह दिए हैं तुम स्वर्ग नहीं जा सकते प्रिय मित्रों वह बिचारी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे अशुद्ध व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते लोभी धन की अभिलाषा करने वाले और गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते और परमेश्वर के राज्य के निराश को नहीं पा सकते प्रियो आप स्वर्ग जाना चाहते हैं क्या क्योंकि ये संसार या आपका जीवन शाश्वत नहीं है लेकिन शाश्वत काल तक रहने वाला केवल परमेश्वर का राज्य है उस अनंत काल के परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं क्या तो फिर देखिए यहां एक लिस्ट है इस सारे लिस्ट को आपको डिलीट करना होगा वह विचार को डिलीट कर दीजिए निर्लजता की बातों को डिलीट कर दीजिए ठट्टे की बातों को डिलीट कर दीजिए धन की अभिलाषा अशुद्धता को डिलीट कर दीजिए वह विचार के विचारों को और दृष्टि को डिलीट कर दीजिए क्यों जानते हैं ये सभी परमेश्वर के प्रेम को आप अनुभव ना करो ऐसा करेंगे आप परमेश्वर से प्रेम ना कर सको रुकावट बनेंगे इस तरह के गलत काम आपके और परमेश्वर के बीच के प्रेम के बंधन में रुकावट बनेंगे डिलीट कर दीजिए प्रियो प्रेम में चलिए उसके बाद और क्या लिखा है देखेंगे आइए कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे धोखा ना दे प्रियो व्यर्थ बातें करके कोई आपको धोखा दे रहे हो प्रेम से झूठी बातों के द्वारा आपको वश में करने की कोशिश कर रहे हो धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे धोखा ना खाएं क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है इसलिए तुम इनके सहभागी ना हो लोगों को धोखा देने वालों से आप दूर रहिए मनों को दगा देने वालों से आप दूर रहो आपके शरीर को अशुद्ध करने वाले लोगों से और कामों से आप दूर रहो क्यों जानते हैं आप परमेश्वर के प्रेम को चख चुके हैं उस प्रेम में चलो दूसरा आठवें वचन से लेकर चौदहवें वचन तक क्या है जानते हैं ज्योति में चलो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो अतः ज्योति की संतान के समान चलो क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है और यह परखो की प्रभु को क्या भाता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उल्हाना दो क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी प्रियो सुनिए चोरी करने वाले चोर अंधकार से प्रेम करते हैं कब अंधेरा होगा तब उनकी सुबह होगी उतना ही है ना धोखा देने वाले चोर लूटने वाले सोचते हैं कब अंधेरा होगा रोड के ऊपर वेश्या के रूप में खड़े होने वाले सोचते हैं कब अंधेरा होगा वेश्याओं के पास जाने वाले भी सोचते हैं कब अंधेरा होगा पापमय कामों को करने वाले भी सोचते हैं कब अंधेरा होगा अंधेरा और अंधकार पाप का सूचक है लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम ज्योति के संतान हो अंधकार में घूमने की आवश्यकता आपको नहीं है अंधकार में जीने की आवश्यकता आपको नहीं है इससे पहले तुम अंधकार में थे इससे पहले अंधकार में जी रहे थे लेकिन मैंने तुम्हें प्रिय मसी हम पर प्रकाशित होने के कारण अंधकार में रहने वाले हमें परमेश्वर ने क्या किया ज्योति के संतान बना दिया अब हम अंधकार में रहने वाले नहीं हैं। हम कौन हैं? ज्योति के संतान हैं। इसलिए ज्योति में हमें चलना है ये कहते हुए एक सुंदर बात है आपके लिए पढ़ रहा हूं ग्यारवा वचन अंधकार के निष्फल कामों में क्या लिखा है सहभागी न हो वरन उन पर उल्हाना दो अंधकार के निष्फल काम पाप में काम पाप में मित्रता पाप में आदतें ये कभी भी आपके लिए भला नहीं है ये निष्फल है फल नहीं देंगे वे आपको नाश कर देंगे इसलिए ऐसे लोगों से ऐसी चीजों से तुम सहभागी न हो बाइबल बताती है प्रिय मित्रों अंधकार में जीने वाले अंधकार के कामों को करने वाले अंधकार में पाप में कामों में डूबे हुए लोग आपके मित्र हैं क्या तो तुरंत उनसे दूर हो जाइए शराबी कभी अकेले शराब पीता है क्या नहीं साथ वाले को भी शराबी बना देता है सिगरेट पीने वाला अरे तुम मत पीना नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे अनावश्यक तुम्हारा मुंह बदबू मारेगा तुम्हारे दांत काले हो जाएंगे ऐसा कहता है क्या नहीं ट्राई करो पी के देखो मुझे नहीं चाहिए ट्राई करो फ्री है वो स्वयं सिगरेट खरीद के लाएगा वही सिगरेट मुंह में रखकर माचिस लेकर स्वयं जलाता कितना कॉपरेट करते हैं पापी लोग पाप में काम करने वालों को देखिए आपस में एक दूसरे के प्रति कितना कॉपरेट है बाइबल बताती है ऐसे लोगों के साथ तुम बिल्कुल संगति मत करना प्रियो यदि आप ज्योति में चलने वाले हैं यदि आप ज्योति में जीने वाले हैं तो आप में तीन अद्भुत लक्षण दिखाई देंगे उनमें से पहला है भलाई नवावचन पढ़ रहा हूं क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई प्रियो आप ज्योति में चल रहे हैं क्या तो लोग पहचानेंगे कि आप भले हैं आपके चारों ओर के लोग पहचानेंगे कि आप भले हैं नौकरी करने के स्थान में आपके मित्र पहचानेंगे ये बिगड़ा हुआ नहीं है हमारे जैसा शराबी नहीं है हमारे जैसा घुमक्कड़ नहीं है हमारे जैसा घुस लेने वाला नहीं है यह अच्छा व्यक्ति है प्रियो जब सारे मित्र शराब पीने जाते हैं तो कहते हैं उसे भी बुलाओ वो भी हमारे साथ पिएगा तब वे गवाही देना है क्या है जानते हैं वो हमारे साथ पीने वाला नहीं है किस लिए वो थोड़ा अच्छा व्यक्ति है आपको देख कह पाना है आपके रिश्तेदार कह पाना है आप अच्छे व्यक्ति अच्छी स्त्री हैं अच्छे मन वाले व्यक्ति हैं अच्छे आदतों वाले व्यक्ति हैं आपके विषय में कह पाना है ज्योति में चलने वालों में दिखाई देने वाले अच्छे लक्षण क्या है जानते हैं भलाई एक व्यक्ति बहुत अच्छा है ये कह पाने के मुख्य कारण क्या है जानते हैं अच्छी जुबान इसलिए सामान्यता कहते हैं अगर जुबान अच्छी है तो गांव भी अच्छा होगा आपकी जुबान सही ना होकर आप अच्छे कहलाएं ये असंभव है सुन रहे हैं आपका मुंह सही ना होकर प्री बहन सुन रहे हैं आप एक अच्छी स्त्री कहलाना आपके बस का नहीं है आप अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं है ये बताने वाला पड़ोसी नहीं स्वयं आपकी जुबान है आपके बातों से ही पता चलता है आप अच्छे हैं या नहीं हैं मैं पूछता हूं आपके मित्र कह पाएंगे क्या आप एक अच्छे व्यक्ति हैं आपके रिश्तेदार कह सकते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं आपके पेरेंट्स कह सकते हैं कि आप एक अच्छे बेटे हैं एक अच्छी बेटी हैं आपके बच्चे कह पाएंगे क्या मेरे पिताजी अच्छे हैं मेरी मां अच्छी है ज्योति में चलिए ज्योति में चलने वालों में दिखाई देने वाला पहला लक्षण भलाई है प्रिय आपके पेरेंट्स कह पाएंगे क्या मेरा बेटा अच्छा है मेरी बेटी अच्छी है प्रिय जवान बच्चों आपकी जुबान सही नहीं होने से आप निश्चय एक भले व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकते क्यों जानते हैं जो आपके मन में भरा रहता है वही मुंह से निकलता है आपके मन में पाप भरा है समझो आपके मुंह से भी वही निकलेगा आपके मन में कामुकता और वे विचार भरा है समझो आपके मुंह से भी वही निकलेगा इसलिए आपका मुंह गवाही देता है कहता है क्या है जानते हैं आप व्यर्थ हैं दुष्ट हैं प्रियो आयुब की पुस्तक पंद्रह अध्याय संदर्भ आया है इसलिए देख लेंगे अयुब की पुस्तक उसका पंद्रवा अध्याय तीसरा वचन निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करें है क्या कोई हमेशा वाद विवाद करते हैं बेकार के व्यर्थ बातों के विषय में वाद विवाद करते रहते हैं बाइबल बताती है व्यर्थ बातों के विषय में वाद विवाद करना सही है निष्फल वचनों के द्वारा वाद विवाद करना सही है कुछ लोगों की यह बीमारी होती है हमेशा विवाद करते हैं कुछ लोगों की बीमारी होती है हमेशा लड़ते रहते हैं कुछ लोगों की तो मानसिक बीमारी होती है जब देखो विवाद करते रहते हैं बहस करते रहते हैं वाद विवाद करते रहते हैं झगड़ते रहते हैं बाइबल में है प्रियो व्यर्थ वचनों के द्वारा क्या हम विवाद करें निष्फल वचनों के द्वारा क्या हम वाद विवाद करें वरतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता परमेश्वर के प्रति रहने वाले भय और भक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं आपके बेकार के वाद विवाद के द्वारा बहस के द्वारा दूसरा और परमेश्वर पर ध्यान लगाना और उसे छुड़ाता है जो मसीह कहलाते हैं वो यदि बार बार वाद विवाद करे तो या झगड़े और लड़ाइयां करें तो वाद विवाद या व्यर्थ वचनों के द्वारा बहस करें तो वास्तव में परमेश्वर के भय भक्ति को आप दूर करते हैं परमेश्वर के प्रति आपके भरोसे को आप दूर करते हैं बाइबल बताती है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है तू अपने मुंह से अपना धर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है मैं तो नहीं परंतु तेरा मुह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं मित्रों आप अच्छे व्यक्ति हैं क्या तो फिर अपने मुंह को स्थिर रखिए व्यर्थ बातों को मत बोलो व्यर्थ विवाद मत करो अनावश्यक बातें मुंह से मत निकालो बहस मत कीजिए बाइबल बताती है कि भलाई और सत्य ये जिनमें दिखाई देते हैं वे ही ज्योति में चलने वाले हैं उसके बाद तीसरा है वो क्या है कि सावधानी से चलें पहला प्रेम में चलें दूसरा ज्योति में चलें किस लिए हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है हम जिसकी आराधना करते हैं परमेश्वर पवित्र है ज्योतिमय है यदि उस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं तो हम में अंधकार के कामों को रहने की अनुमति नहीं है और रहस्यमय कामों को भी रहने की अनुमति नहीं है आप में कोई गुप्त बात होने से या रहस्यमय कोई काम होने से या अंधकार में करने वाले रहस्यमय काम आप में होने से आप ज्योति के संतान नहीं हैं प्रिय मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं नरक में फ्लड लाइट होंगे क्या मेरी बात आपको समझ में आई नरक में स्ट्रीट लाइट्स नरक में बड़े बड़े फ्लैड लाइट होंगे क्या असली में क्या नरक में करंट होगा जनरेटर से चलेगा या डायरेक्ट पावर सप्लाई से मैं आपको एक विषय बताऊं, नरक में भयानक अंधकार होगा भयानक अंधकार रहेगा अंधकार के लोग अंत में अंधकार में ही पहुंच जाएंगे वहां प्रकाश नहीं होगा एक मिनट के लिए बिजली चली जाने से आप बहुत परेशान हो जाते हैं तुरंत आवाज सुनाई देता है बिजली जाने की देरी है यह निकम्मा अभी बिजली बंद कर दिया है पता नहीं ये बिजली वालों को क्या हो गया वे जानबूझ के बिजली बंद नहीं किए हैं शायद उनको किसी काम को करते हुए बंद करना पड़ा होगा बिजली वालों को भला बुरा कहते हैं सुनिए प्रिय भाई और बहनों एक मिनट बिजली जाने से आप सह नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे दिन सप्ताह महीने वर्ष युग युग तक जहां बिजली नहीं रहेगी जहां फैन नहीं रहेगा ऐसे स्थान में आप कैसे रहेंगे वहां आग बुझेगी नहीं कीड़ा मरेगा नहीं भयानक स्थान है वहां रोना दांत पीसना होगा युग युग तक ऐसा ही होगा आप उस स्थान में जाएंगे या प्रेम में चलते हुए ज्योति में चलते हुए स्वर्ग जाएंगे आपकी मर्जी आइए प्रार्थना करें पवित्र परमेश्वर पिता आप प्रेम के स्वरूप हैं आप हमारे जीवन में आकर उसी प्रेम को हमारे जीवन में आप देखना चाहते हैं उसी प्रेम को हम लोगों के साथ बांटें आप चाहते हैं प्रेम के साथ हम चले आप ये हमारे जीवन से आशा कर रहे हैं लेकिन आपके और हमारे बीच के इस अनंत काल के प्रेम के बंधन को नाश करने वाले पाप में कार्य जब तक हमारे जीवन में रहेंगे पिता आपके साथ प्रेम से चलना संभव नहीं है इस सत्य को जानकर आपके और हमारे बीच के इस अनंत काल के प्रेम को कमजोर करने वाले हर एक पाप को हमसे दूर कीजिए पिता हर एक अशुद्धता को हमारे जीवन से दूर कीजिए हमारे बात करने के ढंग को बदलिए हमारे मन को और हमारी मानसिकता को पूरी तरह से आपके अधीन कर लीजिए सत्य बोलने वाले धार्मिकता से जीने वाले ज्योति के संतान हमें बनाकर अंधकार के काम और रहस्यमय जीवन हम में थोड़ा भी दिखाई ना दे ऐसा अनुग्रह कीजिए स्वर्ग के वारिस के रूप में इस धरती में हम जी सके सौभाग्य दीजिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन प्रिय इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उतना ही नहीं कमेंट कीजिए बहुत से लोगों को शेयर कीजिए विनती करता हूं कल फिर मिलेंगे चलो